नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। मैं आपके साथ रईस सेठी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमोह पुलिस थाना कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत 8 लाख रुपए की चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जो व्यापारी मित्र था गुप्ता ट्रेडर्स, वहाँ उसको बैठा हुआ था और काफ़ी देर बातचीत करता रहा था। उसने लोड से भरा हुआ बैग में रख दिया था। वहीं पर एक लड़का आया, धीरे से परिस्थिति को देख करके बैग को उठा करके वो चला गया। सीसीटीवी फुटेज था, उस फुटेज के आधार पर थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा गंभीर तलाश की। और दरअसल रोहित असाटी निवासी ग्राम बकायन थाना भटियागढ़ ने थाना कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक गल्ला व्यापार का काम करता है, जो अपने व्यापार के काम से दमोह एचडीएफसी टंडन बगीचा बैंक से 8 लाख रुपए निकाल कर राय चौराहा दिलीप गुप्ता की दुकान पर पहुंचकर 10,000 रुपए एक व्यापारी को दिए थे एवं व्यापारियों से पुराना हिसाब किताब करने लगा। तभी बाकी 7,90,000 रुपए बैग में रखे हुए थे। बैग दुकान के काउंटर पर रखा था, तभी किसी अज्ञात लड़के द्वारा बैग चोरी कर लिया गया है। आवेदक की उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 504/22 धारा 389 के तहत विवेचना शुरू की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए समस्त थाना प्रभारियों को नाकाबंदी हेतु सूचना दी गई तथा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदेही राजा पिता धोराज पारदी निवासी पार्टी दोखोला सुर्खी जिला सागर को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर संदेही आरोपी द्वारा उक्त घटना को करना कबूल किया है एवं आरोपी के कब्जे से 5,85,500 रुपए जब्त किए गए। दमो कस्बे में एक बड़ी चोरी की घटना घटित हुई थी। हुआ यह था कि थाना भटियागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकायन का एक साठी लड़का था, जो गल्ला व्यापारी था। वो एचडीएफसी बैंक से 8 लाख रुपए निकल के घर जा रहा था। उसका जो व्यापारी मित्र था गुप्ता ट्रेडर्स, वहाँ उसको बैठा हुआ था और काफ़ी देर बातचीत करता रहा था। उसने नोट से भरा हुआ बैग में रख दिया था। वहीं पर एक लड़का आया, धीरे से परिस्थिति को देख करके बैग को उठा करके वो चला गया। सीसीटीवी फुटेज था, उस फुटेज के आधार पर थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा गंभीरता से तलाश की और संदेह के आधार पर एक लड़के को दस्तयाब किया। बाद में वो लड़का सही निकला। राजा पारदी, जो सुर्खी थाना क्षेत्र के पारदी थाने का रहने वाला था, उसने पूरी घटना को स्वीकार कर ली। इस घटना में उसका एक दोस्त भी था, जो गणेशगंज का एक मोहित पारदी था। तो उसमें कुछ पैसा उसके पास है, लेकिन पूरी 8,790,000 में से 5,85,000 रुपये बरामदगी हो गई है। इस प्रकार थाना प्रभारी कोतवाली की सक्रियता से और 6 घंटे में ही ये वारदात हुए। सर, जो टीम थी उसको क्या नाम? टीम को जो टीम में जितने भी लोग हैं थाना प्रभारी के प्रतिनिधि दल के आधार पर, सीएसपी के अनुशंसा के आधार पर उनको नाम नगर निगम। स्वागत जिंदगी के लिए मध्य प्रदेश दमोह से धीरज कुमार की रिपोर्ट। और ऐसी जानकारी भरी खबरों के लिए बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें।